बांदा की घाटियों में मूसलाधार बारिश होने से केन नदी का जलस्तर बढ़ गया है। केन नदी में अचानक आई बाढ़ से नाव डूबते डूबते बच गई। मछुआरों ने सुरक्षित नाव को बाहर निकाला। अचानक आई बाढ़ से सेल्फी लेने वालों का जमावड़ा लगा हुआ था, लेकिन नदी के आसपास पुलिस की तैनाती रही, क्योंकि अक्सर ऐसे मामले सामने आते हैं कि जब लोग सेल्फी लेने पहुंच जाते हैं और बड़े हादसे का शिकार हो जाते हैं। नदी ओवरफ्लो हो रही है, तमाम नदियां ओवरफ्लो हो रही हैं। तस्वीर बांदा की, केन नदी इस तरह से उफान पर है और तमाम जो आसपास के इलाके हैं, जो गांव हैं, वहां तक केन नदी का पानी पहुंच चुका है। ये सुबह 4 बजे से बढ़ी है, अभी इसकी धाराएं तेज समझ में आ रही हैं, हो सकता है कि ज्यादा बढ़ सकती है। अभी ये तो नहीं हम लोग जानकारी कर सकते हैं कि इसलिए कि ज़्यादा तेज बढ़ रही है और 1 घंटे में लगभग करीबन 1 मीटर बढ़ जा रही है। अब नदी किनारे जो भी गांव है वो ज़्यादा ही दिक्कत में सहायक हो सकते हैं। अभी ये कुछ नहीं कहा जाता कि ये बारिश कितनी हो जाए। नेटवर्क 10 में आपका स्वागत है और हम इस समय हैं केन नदी पे और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से बाढ़ अपने प्रकोप में है और पूरी तरह से बाढ़ यहाँ पर बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है। बता रहे हैं प्रति घंटे के हिसाब से 1 मीटर पानी बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से मध्य प्रदेश और यूपी के कई जनपदों में बारिश हो रही है, बारिश से यहाँ पर जो पानी है, जो नदी किनारे गांव हैं, जो कहीं ना कहीं खतरे के निशान पर पहुंच गए हैं। हालांकि प्रशासन ने मीटिंग करी है, जिलाधिकारी ने मीटिंग करी है, हालांकि सीएम योगी जी ने कई सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिए हैं कि बाढ़ क्षेत्रों में जायज़ा लें। हालांकि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से पुल के ऊपर भीड़ लगी हुई है और यहाँ पर प्रशासन गायब है, प्रशासन की व्यवस्था नहीं है। अभी अब से कुछ ही देर पहले यहाँ पर एक नाव डूबते डूबते बची है। यहाँ पर एक नाव थी, नाव मछुआरा थे भैया, मछुआरा था, उन्होंने बताया कि अभी कुछ ही देर पहले, मैं उनसे बात करूँ, क्या नाम है आपका? सरवन निषाद। सरवन, किस तरह से नाव डूबते डूबते बची, क्या प्रशासन यहाँ आया है? नहीं, अभी कोई प्रशासन नहीं आया। क्या लगता है कि किस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए? व्यवस्था ये है कि ये किनारे में जो ये भीड़ लगती है, ये मछुआरे हैं, हाँ। यहाँ पे जो शहर से आते हैं शिकार खेलने मछली का, तो इनकी व्यवस्था की जाए कि यहाँ बैठ के अभी शिकार न किया जाए। और नाव यहाँ दो ठो लगवा दी है इसी पार बांदा पार जी। और बाढ़ देखने वालों की किस तरह से भीड़ है? बाढ़ देखने वालों की ये पुल से जो है और ये यहाँ नदी किनारे है, यहाँ खतरा है इसलिए कि पैर रपट सकता है पत्थरों में जी। और पुल से भी हादसे हो चुके हैं कि जैसे सेल्फी लेने में और इस तरह में गिर चुके हैं जी। और ये सब प्रशासन से यही अनुरोध करते हैं कि ये सब न होना चाहिए। मछुआरे ने साफ तौर पे बताया कि इसके पहले भी हादसे हो चुके हैं, लोग सेल्फी लेते टाइम घटनाएं हो चुकी। हालांकि इस समय तो बाढ़ है और बाढ़ से कैसे बचा जा सकता है, प्रशासन मुस्तैद नहीं है। नेटवर्क 10 के लिए अनवर रजा, बांदा।